Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम न्यू स्टाइल प्याज के पकौड़े, जो बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे। 4 बड़े साइज का प्याज हमने लिया है। इसके छिलके निकाल लेंगे। इसे गोल राउंड शेप में काटेंगे, एक बराबर काटेंगे हम, इसे पतला मोटा नहीं करेंगे। जिस तरह हम सलाद के लिए प्याज काटते हैं हम उसी शेप में काटेंगे, उसी तरह से। बहुत ही इजी है इस तरह से पकौड़ी बनाना। इस तरह से हम सभी प्याज को स्लाइस काट लेंगे। यहाँ पर हमने सभी प्याज को काट लिया है। अब हम इसके जो राउंड शेप है इसे इस तरह अलग अलग कर लेंगे, ताकि एकदम ये खिले खिले रहें, एक दूसरे में चिपके नहीं। इस तरह हम सभी प्याज को अलग कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम इसका बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है, 1/2 कप और लेंगे, 1.5 कप हमने बेसन लिया है। 3 टीस्पून इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीज़ को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। 1.5 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स भी इसमें डाला था। 1 कप हम यहाँ पर पानी लिए हैं। थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा कर इसमें पानी डालेंगे। हमें इसे पतला बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा थिक बनाना है। और आप अच्छी तरह इसे व्हिप्ड करिए, थोड़ा और पानी डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, इतना ही थिक हमें बैटर चाहिए इस पकौड़ी के लिए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। सभी प्याज को हम अलग अलग कर ही डालेंगे इसमें। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि प्याज का जो राउंड शेप है वो टूटे नहीं, तभी हमारी पकौड़ी एकदम कुरकुरी बनेगी। हमने गैस ऑन कर दिया है, ऑयल भी गर्म हो रहा है। वो अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ये पकौड़ी हमें जलेबी की शेप का बनाना है, जिस तरह हम जलेबी बनाते हैं। गोल राउंड शेप आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपकाइए और उसको ऑयल में डालिए। तो देखिए, दिख रहा है ना आपको जलेबी की तरह। इसे हल्के हाथों से चलाएंगे और एक तरफ लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी बनती है ये, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। गर्मा गर्म हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही चटपटी सी लगती है। अभी रमज़ान का टाइम है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इफ्तार में सर्व करें। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। बाकी के सभी पकौड़े भी हम इसी तरह बना लेंगे। ऑयल में डालते समय इसका शेप कुछ इस तरह आपको बनाना है। आप इसे बनाएं और हमें कमेंट में भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह हम सभी पकौड़े रेडी करेंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो करिए, इसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए गाइस, न्यू स्टाइल प्याज की एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी सी पकौड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।